the Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा आज हमेशा की तरह आपके लिए खास खबरें लेकर आई हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाले विशेष पूजन करवा चौथ की। जी हां, करवा चौथ की सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अगर आप बाजार में जाते हैं तो आपको महिलाओं की भीड़ अक्सर देखने को मिल रही होगी। जी हां, लगातार महिलाएं करवा चौथ की तैयारी कर रही हैं। सुबह शाम वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। और आपको विशेष सूचना बता दें कि कल यानी करवा चौथ को शाम 1:18 का शुभ मुहूर्त है, जिस वक्त महिलाएं पूजन कर अपना व्रत खोल सकती हैं। और चंद्रमा उदय का समय रात 8 होगा। और इसके बाद पूजन करने के बाद, कहानी सुनने के बाद, वो चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकती हैं और उसके बाद भोजन ग्रहण कर सकती हैं। अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो उसको उपहार देकर आशीर्वाद भी दे सकती हैं। हम सब आपको करवा चौथ की, सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई देते हैं। करवा चौथ की बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि करवा चौथ एक बहुत ही विशेष पर्व माना गया है, जहाँ महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत पूजन करती हैं। सूर्य उदय से शुरू होकर और चंद्रमा उदय तक इनका व्रत चलता है। जो सुहागन इस व्रत को करती है, ये माना जाता है कि उसके घर में धन धान्य तो आता ही है, साथ ही पति की दीर्घ आयु भी बनी रहती है। इस व्रत को करने का सिर्फ पूजा अर्चना ही नहीं, बल्कि पूरे विधि विधान से करने का नतीजा होता है कि आपका अपने वैवाहिक संबंध में काफ़ी अच्छा रहता है। जी हाँ, अगर आप अपने इस व्रत कथा को, इस पूरे पूजन को विधि विधान से करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। और ये माना जाता है हमारी पुरानी संस्कृति में कि अगर कोई भी वैवाहिक स्त्री 16 श्रृंगार करती है, खास आज के दिन, तो उससे उसका भाग्य भी रोशन होता है। 16 श्रृंगार में काफ़ी अन्य चीज़ें आती हैं, चाहे वो बिछिया हो, बिंदिया हो, चूड़ियाँ हो, कमरबंद हो, या फिर काजल हो, नथनी हो, ऐसे कई 16 श्रृंगार में आती हैं, इस श्रेणी में आती है, जिसमें जो महिलाएं होती हैं वो अगर सजें तो उनका भाग्य भी रोशन होता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। तो एक बार फिर से आपको ये कहना चाहती हूँ कि 16 श्रृंगार तो आप करें ही, साथ ही दिल से अपने घर के भाग्य रोशन होने का पूरा आशीर्वाद भी लें घर के बुज़ुर्गों से। और आपसे यही कामना करती हूँ कि सभी लोग अपने घर घर में इस दिए को जलाए रखें, इस भाग्य के दिए को हमेशा जलाए रखें, क्योंकि जब भी हम कोई भी व्रत कथा, चाहे वो करवा चौथ हो या कोई भी हो, पूरे दिल से करते हैं, ऊपर वाले को साक्षी मानकर करते हैं, तो हमारी हर मनोकामना ऊपर वाला ज़रूर सुनता है। आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमतों में गिरावट आया है अगर हम सोना चांदी की बात करें। जी हाँ, घरेलू मांग को अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, जिसको देखते हुए लोगों में रुचि कम हो चुकी है सोना चांदी खरीदने की, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब माना जा रहा है कि व्यापार क्षेत्र से अगर बात करें तो धनतेरस वाले दिन लोगों को जो भी नुकसान हुआ है लॉकडाउन के ज़रिए, जो भी व्यापारियों को नुकसान हुआ है, वो शायद त्योहारों में उसकी भरपाई कर सके। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने बचाव के साथ बाजार में निकलेंगे और व्यापारियों के लिए उम्मीद करते हैं कि उनका जो भी नुकसान हुआ है लॉकडाउन के जरिए, वो त्योहारों में उसकी भरपाई अच्छे से कर सके। लॉकडाउन या कोरोना महामारी की मार कहें या फिर कुछ और, सोना चांदी के साथ साथ मेवाओं में भी, चाहे काजू, बादाम, अंजीर जैसी, अखरोट जैसी मेवाओं में भी, के दामों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ, ये बाकी सारे लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि अगर आप इस सर्दियों के मौसम में मेवाएं खाने के शौकीन हैं, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं, तो इस समय बहुत ही अच्छा है जब आप सारी मेवाएं खरीद सकते हैं और अपने स्वास्थ्य पे अच्छी तरह ध्यान दे सकते हैं। जी हाँ, आप मेवाओं में जो भी दामों में गिरावट आई है उसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। आप बाजार में जाके मेवाएं खरीद सकते हैं, लेकिन
साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये लाभ कुछ दिनों का ही मेहमान है। जल्द ही मेवाओं के दाम फिर से बढ़ सकते हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो या फिर अन्य राज्य की सरकार, सब इस बात पर चर्चा कर रही हैं। जी हाँ, इसीलिए ये वक्त बहुत सही है आप लोगों के लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और साथ ही साथ मेवाएँ खाने का भी ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि दामों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। इससे पहले कि दाम बढ़ जाएं, आपको जल्द ही अपने घर में मेवा खरीद लेनी चाहिए और रख लेनी चाहिए। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट का मानना है कि लड़का लड़की अगर बालिग है तो वो अपनी मर्जी से रह सकते हैं। जी हाँ, वो विवाह भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से बिना विवाह के भी रह सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी लड़का लड़की अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता तो भी उनकी शादी को मान्य माना जाता है। और साथ ही इस बात की आलोचना भी की है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए अगर शादी ज़रूरी है तो ये बहुत ही गलत बात है। किसी भी विवाह संबंध में पहले धर्म परिवर्तन का कोई आयोजन नहीं है। जी हाँ, इस तरीके से हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर दो लड़का लड़की बिना अपना धर्म बदले विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो ये मान्य होगा, और अगर उनको डरा धमका कर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो ये बहुत ही गलत बात होती है। जी हाँ, हाई कोर्ट का ये बहुत ही अहम फैसला है कि दो लड़का लड़की आपस में रह सकते हैं और उन्हें किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही अहम खबर अब आपको सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, भले ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस बात से राज़ी ना हो और इस बात का विरोध भी कर रही हैं कि आयुर्वेद से कोरोना वायरस ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आयुर्वेद का एम्स माने जाने वाले इंडियन आयुर्वेद इंस्टीट्यूट का ये दावा है कि उन्होंने 6 महीने में कोरोना वायरस के मरीज को सिर्फ आयुर्वेद दवा देने से ठीक कर दिया। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उनका मानना है कि एक मरीज पे उन्होंने विश्लेषण किया जिसमें उन्होंने देखा कि उसको निमोनिया के साथ साथ कोरोना वायरस भी था, और उन्होंने लगातार 6 महीने उसको बिना किसी एलोपैथिक दवा दिए सिर्फ आयुर्वेदिक उपचार से उसका कोरोना वायरस 6 महीने में ठीक कर दिया। जी हाँ, अब वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये बात बहुत ही अहम है और बहुत ही चौंकाने वाली है, लेकिन इस बात को कौन कब तक मानेगा और इस बात को सरकार पुष्टि देगी? क्या ये बात आगे बढ़ पाएगी? क्या हम लोगों को आयुर्वेद के उपचार से कोरोना वायरस ठीक करने की सरकार अनुमति देगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बहुत ही अहम फैसला किया जाएगा अगर ये बात सामने आती है, और इस बात की अगर पुष्टि की जाए तो ये बात बहुत बड़ी मानी जाएगी, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी, कि भारत का जो आयुर्वेद है उसने कोरोना वायरस के ऊपर जीत हासिल की है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस बात का विरोध कर रही है, क्योंकि साइंस आयुर्वेद पे इतना विश्वास नहीं करती। उनको लगता है कि ये उपचार कोरोना वायरस को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आयुर्वेद का इस बात से कहना है कि नहीं, वो आयुर्वेद से इस बात को ठीक कर सकते हैं, कोरोना वायरस को ठीक कर सकते हैं। अब आने वाला वक्त ही हमें इस बात की सच्चाई से रूबरू कराएगा कि आखिर सरकार इस बात को मान्यता देगी या नहीं। दिवाली आने को है और इस वक्त ये वो टाइम होता है जहाँ पर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड लेने की एक होड़ में जुट जाते हैं। तो अगर आप अपना टेलीविज़न बदलना चाहते हैं, नए टेलीविज़न खरीदना चाहते हैं, तो ओप्पो ने हाल ही में 2 नए टेलीविज़न सीरीज़ लॉन्च की है। जी हाँ, एक है स्मार्ट टेलीविज़न S1 और दूसरी है स्मार्ट टेलीविज़न R1। तो अगर आप कोई भी बहुत ही अच्छा टेलीविज़न देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में स्मार्ट टीवी हो, तो आप इस ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें दमदार म्यूज़िक चलेगा, साथ ही साथ आपकी स्क्रीन जो है वो आपकी मनपसंद भी हो सकती है, और इसका म्यूज़िक सिस्टम तो धमाकेदार है ही, साथ ही आप इस पर इंटरनेट भी देख सकते हैं। तो आप गूगल कर सकते हैं कि कौन सी है ये स्मार्ट सीरीज़ जिसको आप अपने घर में लाकर अपने लिए दिवाली गिफ्ट खुद खरीद सकते हैं या फिर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिएगा और सेफ रहिएगा और हेल्दी रहिएगा। इसी मनोकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।